आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग आज अहम फैसला सुना सकता है। संसदीय सचिव बनाए जाने के बाद से इन विधायकों की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग ने आपके उन 21 विधायकों को नोटिस भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, जिन्हें दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। चुनाव आयोग ने संवैधानिक प्रावधान न होने के बावजूद भी संसदीय सचिव बनाए जाने पर 21 विधायकों से जवाब मांगा था। विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में आपत्ति जताई थी। केंद्र का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव हो सकता है जो मुख्यमंत्री के पास होगा। 21 विधायकों को ये पद देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती को वेश्या से बदतर बताने वाले यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के खिलाफ बीएसपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी नेता के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज में आज सुबह भारी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और दयाशंकर के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। बीएसपी सांसद और मायावती के सलाहकार सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि वो इस मामले को अदालत में लेकर जाएंगे, जबकि बसपा नेता मेवालाल ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में इस बयान के लिए दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बयान को तूल पकड़ते ही पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। गुजरात के ऊना कस्बे में दलित समुदाय के युवकों की बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच 7 और युवकों ने कल खुदकुशी करने की कोशिश की, जिससे राज्य में स्थिति और बिगड़ गई। साथ ही समूचे राज्य में कई जगहों पर हिंसा और आगजनी की खबरें मिली हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज ऊना जाने वाले हैं, जहां वे पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस मामले को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद के दोनों सदनों में उठाया और हंगामा किया, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। वहीं बुधवार को प्रदर्शनों के दौरान राजकोट, पोरबंदर, बोतड़ और गिर सोमनाथ जिलों में आत्महत्या की कोशिश की घटनाएं सामने आई है। दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती सहित उनके 3 और कार्यकर्ताओं के खिलाफ साकेत थाने में कल मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों पर महिला के साथ बदसलूकी और अभद्रता करने का मामला दर्ज किया है, जबकि सोमनाथ भारती पर इन लोगों को महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस फिलहाल मजिस्ट्रेट के सामने महिला का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में सोमनाथ भारती समेत अन्य लोगों से पूछताछ करने की बात कह रही है। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान आज कराने की बात कह रही है। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी छोड़ने और आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू कांग्रेस में आते हैं तो अच्छा होगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू की फैमिली के लोग पुराने कांग्रेसी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें जिसको आना है वो आ सकते हैं, लेकिन आना या ना आना सिद्धू पर निर्भर करता है। पार्टी में आने पर सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद देने या ना देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सवाल ही नहीं बनता, सिद्धू से इस बारे में ना बात हुई है और ना ही मुलाकात। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने को लेकर कल मंजूरी दी। खास बात यह है कि ये फैसला गोरखपुर में 22 जुलाई को होने वाली पीएम की रैली से ठीक पहले किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 1,011 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर में एम्स बनाया जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, नए एम्स की स्थापना आबादी को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करेगी, जबकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ा पूल तैयार होगा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयार की जा रही प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की सुविधाओं के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसकी क्षमता 750 बिस्तरों की होगी और इसमें इमरजेंसी या ट्रामा और आयुष खंड होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बुधवार को बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अगले 6 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इस ट्रेन का किराया हवाई जहाज के किराए से भी कम होगा। रेल मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना मुमकिन है और हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के 508 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरा करने की उम्मीद जताई गई है। अभी दुरंतो एक्सप्रेस इस दूरी को पूरा करने में 7 घंटे लगाती है। माना जा रहा है कि इसकी अधिकतम रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
आतंकी बुरहान वानी की मौत पर काला दिवस मनाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है और कश्मीरियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए वहां जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। शरीफ ने कहा कि भारत ताकत के दम पर कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबा सकता और आखिरकार उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र घोषित कर रखा है और भारत को कश्मीरियों के अधिकारों का सम्मान करते हुए जनमत संग्रह कराना चाहिए। कश्मीर मुद्दे की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए पाकिस्तान काला दिवस मना रहा है और पूरे देश और पाक अधिकृत कश्मीर में रैलियां और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन दिनों क्रिकेट से दूर आराम फरमा रहे टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेलने को मिस कर रहे हैं। टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पर है और दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वहां भारतीय स्पिनर कहर भर पाएंगे। साथ ही धोनी ने ये भी कहा कि वो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच गुरुवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। धोनी ने कहा कि उन्हें ये प्रभावशाली लगता है कि भारत के पास अब 8 से 10 अच्छे तेज गेंदबाजों का पूल है। उन्होंने कहा जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतना बेहतर होगा। यह अच्छा है कि अंततः हमारे पास 8 से 10 गेंदबाज है जो चयन के लिए जोर लगा रहे हैं। अगर मैं एक साल पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज की बात करूं तो उस समय कुछ गेंदबाज चोटिल थे। गाजियाबाद के महागुणपुरम सोसाइटी में पुरम बैडमिंटन क्लब के द्वारा एक अनोखे बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट का अनोखापन है किसके प्रतिभागियों की उम्र सीमा। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। पुरम बैडमिंटन क्लब ने यह आयोजन ऐसे पूर्व खिलाड़ियों के लिए किया है जो जीवन की भाग दौड़ में खेलकूद से दूर हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 18 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जो अलग अलग खेल स्तर के मुताबिक इस टूर्नामेंट के अलग अलग ग्रुप में हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का खास आकर्षण मेंस डबल्स की प्रतियोगिताएं हैं। आज से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का समापन 27 जुलाई को होगा। आज इस टूर्नामेंट के 3 अहम मैच खेले गए।